जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज पशुपालकों के खाते में आएंगे पैसे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जारी करेंगे गोधन न्याय योजना की राशि। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 4,21,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों एवं भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2,76,00,000 रुपए का भुगतान तथा गौठान समितियों को 87,00,000 रुपए और महिला समूहों को 58,00,000 रुपए की लाभांश राशि इसी में शामिल है। यहाँ उल्लेखनीय ये बात है कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जा रही है और राज्य में इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से की गई थी। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में 5,029 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट इस वजह से 10% से ज़्यादा हो गई है, जबकि बीते 24 घंटे में बात करें तो 8 मौतें भी रिकॉर्ड की गई हैं। अभी तक 15 साल तक लगभग 60 बच्चों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। अगर मैं टोटल आंकड़े की बात करूँ तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे की बात करें तो 5,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। कुल टेस्ट लगभग 47,124 टेस्ट हुए हैं और इसी में से 5,000 जो संक्रमित मरीज हैं वो पाए गए हैं। इस तरह पॉजिटिविटी रेट अब बढ़ करके 10.67% पर जा पहुंची है। फिलहाल सबसे ज्यादा मरीज रायपुर जिले से पाए गए हैं और इनकी संख्या 1,183 रही है। मौत के आंकड़ों में भी कमी दिखाई दी, लेकिन इसके पहले दिन की बात करें तो प्रदेश में कुल मिलाकर लगभग 15 मौतें रिकॉर्ड की गई थी। वही कुल मिलाकर 8 मौतें जो है आज के बीते 24 घंटे के अनुसार बताई जा रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण स्थिर है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में तीसरी लहर के दौरान किसी एक दिन हुई मौतों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा था। बीते दिन की अगर मैं बात करूं तो 15 मौतें रिकॉर्ड की गई थी। डेथ ऑडिट रिपोर्ट के सामने यह आया है कि अब तक 13,697 लोगों की रिपोर्ट यहां पर मौत जो है रिपोर्ट की गई है। यानी कि कुल मिलाकर अब तक तीसरी लहर के दौरान कुल मिलाकर प्रदेश में 13,697 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस कोरोना वायरस की वजह से। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। 22 से लेकर के 24 जनवरी तक कई जिलों में बारिश के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि बिजली भी गिर सकती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सरगुजा संभाग में मौसम बदलने के आसार दिख रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के ताज़ा अनुमान के मुताबिक 22 जनवरी की शाम और रात के वक्त इन हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जहां गरज चमक के साथ आकाश से बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में 22 से लेकर के 24 जनवरी तक मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों की बात करें तो 23 जनवरी को भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं इन इलाकों में ओले गिरने का भी अनुमान जताया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में कुछ जगहों पर भी बारिश होगी। ऐसे में बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश तो वहीं गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। दरअसल एक बार फिर से दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे दक्षिण पाकिस्तान के ऊपर एक सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में मौसम का असर बना हुआ है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में भी बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त गर्म हवा आ रही है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में जो है 22 से लेकर के 23 और 24 जनवरी तक मौसम में बदलने के जो अनुमान है वो बताए जा रहे हैं। मध्यान्ह भोजन में अब चावल के साथ साथ सोयाबीन बड़ी, तेल, अचार नहीं बल्कि पैसे भी मिलने जा रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते जिन स्कूलों में ताले लटक गए हैं वहां छात्रों को एक बार फिर से सूखा राशन वितरित किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। हालांकि छात्रों को सूखा राशन के रूप में सिर्फ चावल ही वितरण किया जाएगा। मध्यान्ह भोजन के दौरान चावल के साथ साथ मिलने वाली अन्य सामग्री स्थान पर यहाँ पर बच्चों को जो है पैसे दिए जाएंगे। यह राशि छात्र
छात्रों के खातों में डाल दी जाएगी। छात्रों को बैंक अकाउंट नहीं होने की स्थिति में पालकों के खाते में यह राशि डाली जाएगी। इसके पूर्व भी कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी स्कूल बंद कर दिए गए थे और उस दौरान भी छात्रों को एकमुश्त सूखा राशन प्रदान करने को कहा गया था। पहली और दूसरी लहर के वक्त छात्रों को चावल, दाल, सोयाबीन बड़ी और तेल व अचार के पैकेट बनाकर बांटे गए थे। इस बार पहली से लेकर के आठवीं तक के छात्रों को चावल व पैसे दिए जाएंगे। दरअसल बात करें तो मध्याह्न भोजन के लिए ₹5.19 की राशि प्रति छात्र को मिलती है। अगर मैं पहली से पांचवी कक्षा की तक बात करूं तो वही माध्यमिक कक्षा यानी कि अर्थात छठवीं से लेकर के आठवीं तक की बात करें तो प्रति छात्र ₹7.45 के हिसाब से राशि प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ में 7 मार्च से शुरू हो सकता है छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, फरवरी में जारी हो सकती है इसके लिए अधिसूचना। दरअसल बात करें राज्य में 7 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो सकता है। फरवरी के पहले हफ्ते में इसके लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार देरी से जो है सत्र शुरू होगा। इस साल जो है बात करें हर साल फरवरी में जो बजट सत्र है इसका आयोजन किया जाता था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सीएम से चर्चा की है, मार्च में बजट सत्र रखने पर सहमति बन भी गई है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे भी यहां पर चर्चा में मौजूद थे और जैसे ही कोई अपडेट आता है छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। 1332 बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे गए। दुर्ग में अगर मैं बात करूं तो 3,11,197 उपभोक्ता पर लगभग 217 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। 20 दिन में 2.5 करोड़ से ज़्यादा वसूले गए हैं। विद्युत वितरण कंपनी ने दुर्ग में बिजली बकायेदारों से वसूली अभियान शुरू कर दिया है। महज 20 दिन की बात करें तो कंपनी ने 2,207 घरेलू उपभोक्ताओं से 2,58,00,000 रुपये से अधिक की वसूली की है, जबकि 1332 उपभोक्ताओं के घरों के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। वही दुर्ग रीजन की बात करें तो 3,11,197 उपभोक्ताओं का कुल मिलाकर 217 करोड़ और 36 लाख रुपए बकाया है। CSPDCL दुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी की ओर से बकाया राजस्व वसूली के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि पर बिजली बिल के भुगतान के लिए बिल विवरण की व्यवस्था साथ साथ मोर बिजली ऐप एवं अन्य ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही हैं। बिजली बिल के बकाया भुगतान में देरी होने पर उपभोक्ताओं को सूचना देकर सचेत भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एडवेंचर्स स्पोर्ट का हब बनेगा बस्तर। पहाड़ों के बीच साइकिलिंग, स्लाइडिंग और हरी भरी वादियों में कर सकेंगे जंप। दंतेवाड़ा में बनेगा एडवेंचर पार्क। दरअसल बात करें दो पहाड़ों के बीच की ऊंचाई पर साइकिलिंग जो है चला सकेंगे। इसके अलावा सुपरमैन की तरह रस्सी के सहारे हवा से बातें करते हुए स्लाइड भी कर सकेंगे और हरी भरी वादियों में आप जंप भी लगा सकेंगे। यानी कि ये सब होगा बस्तर में। जल्द ही बस्तर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनने जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर के कई फैसिलिटी शुरू करने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। यहां पर साहसिक खेलों और मनोरंजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर संभाग के पहले एडवेंचर पार्क की स्थापना जिला खनिज संस्थान न्यास निधि यानी कि DF फंड के तहत किया जा रहा है। प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त रूप से इस काम में हाथ बटाया जा रहा है। साथ ही साथ यह डंकिनी नदी के तट पर होगा। एडवेंचर पार्क में संचालित होने वाली साहसिक खेल गतिविधियों और प्रशिक्षण के माध्यम से पर्यटकों को अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए उत्तम रखने के लिए महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। इसके अलावा कलेक्टर दीपक सोनी के मुताबिक यह पार्क दंतेवाड़ा जिले के पर्यटन विकास क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। नक्सल इलाके के केले से बन रही है बच्चों के लिए सिरलेग। किसान केरल से लेकर आए हैं पौधे, बोला फसल लगने से पहले आ जाती है डिमांड, इसके लिए मुनाफा भी अच्छा है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के नवघोषित जिले मानपुर मोहल्ला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बसा मानपुर गांव विशेष प्रजाति के केले के लिए भारत के नक्शे में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यहां के केले की सबसे अधिक डिमांड चिप्स और सिरलेग बनाने के लिए लेकर है। यहां बिज्जू नाम का किसान केरल राज्य से विशेष प्रजाति के केले के पौधे कर पिछले 3 सालों से खेती कर रहा है। उसका कहना है कि उसे अपनी फसल को बेचने के लिए बाजार भी नहीं जाना पड़ता है, व्यापारी खुद उसके पास आकर अच्छे दाम में केला खरीद लेते हैं। किसान बिज्जू जॉन के मुताबिक वह केरल का रहने वाला है और साल 2000 में वह मानपुर आया था। यहां कुछ साल रहने के बाद उसने पाया कि यहां की जलवायु केले की खेती के लिए अच्छी है और इसके बाद उसने साल 2011 में कुछ एकड़ खेती की जमीन को खरीदा और इसके बाद वह केरल गया और वहां एट केयर के नेत्र पेडम
प्रजाति के केले के पौधे को लेकर आया। उसने साल 2018 में पहली बार इस केले की खेती को किया और अच्छी फसल मिलने पर उसका साहस भी बढ़ा और इतना ही नहीं अच्छा बाजार भी उसके केले को अच्छे दामों पर हाथों हाथ ले लिया गया। इसके बाद से वह लगातार इस केले की फसल को लगा रहा है। हमारे किसान भाई, हमारे दर्शक भाई जो भी यहाँ पर यह काम करना चाहते हैं वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ड्रग विभाग का केंद्र को पत्र सौंपा गया है। दरअसल किट की ऑनलाइन बिक्री को तुरंत रोकने के लिए यहां पर जो है संदेश दिया गया है। दुकानों से कोरोना टेस्ट किट मिलना मुश्किल हो रहा है तो लोग जो है ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। दरअसल कोरोना सेल्फ टेस्टिंग किट से कितने लोग टेस्ट कर रहे हैं और उसमें कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव निकल रहे हैं, यह मामला पहले से ही बेहिसाब था, यानी कि यह सरकार के आउट ऑफ कंट्रोल था और शिकायतों के बाद प्रशासन ने मेडिकल स्टोर्स में किट बेचने के नियम को कड़े कर दिए हैं। दुकान वालों से किट लेने पहुंचे लोगों के नाम पते और आधार कार्ड की कॉपी मांगना शुरू की गई तो लोगों ने टेस्टिंग किट को ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दिया। ऑनलाइन कारोबार करने वाली दो बड़ी कंपनियां सीधे घरों में किट पहुंचा रही हैं और दुकानों के झंझट के बिना लोग टेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से मरीजों की संख्या का मामला बेहिसाब होता जा रहा है। इस वजह से कोरोना काल में पहली बार राजधानी के ड्रग मुख्यालय ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर सेल्फ टेस्टिंग किट की ऑनलाइन बिक्री पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह कर दिया है। सेल्फ टेस्टिंग किट की ऑनलाइन खरीदी शुरू होने के बाद से दवा दुकानों में रिकॉर्ड मेंटेन करने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। दवा दुकानों से किट की बिक्री एकाएक आधे से भी कम हो गई है और जनवरी के शुरुआती दिनों में रायपुर जैसे ही कोरोना का विस्फोट हुआ रोज 2 से 2500 तक किट बिकने लगी थी। लोग दवा दुकानों से बेहिचक किट खरीद करके खुद ही पता लगा रहे थे कि वे नेगेटिव हैं या फिर पॉजिटिव। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हिरेल पटेल का कहना है कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर के ऑनलाइन बिक्री रोकने का आग्रह किया गया है। रायपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कृपलानी ने भी माना है कि इसकी ऑनलाइन बिक्री जारी है और इसकी शिकायत ड्रग विभाग से की गई है। रोजगार पर सियासी रार लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका और राहुल ने किया वादा कि 20 लाख नौकरी देंगे। इस पर डॉक्टर रमन सिंह बोले, सावधान, ये बड़े ठग हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने युवाओं को ध्यान में रख करके खास करके चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया है। ऐसे में शुक्रवार को इसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने लॉन्च किया है। 20 लाख नौकरी का वादा इसमें किया गया है और पहले ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा रोजगार के मामले आमने सामने हैं। ऐसे में अब डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के यूपी में किए गए बड़े वादे को आड़े हाथों लेते हुए इस पर अपना सियासी तीर छोड़ दिया है। आरोप लगाए हैं कि ये सब झूठ है। डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि यह झूठा दस्तावेज देखिए, कैसे छत्तीसगढ़ के युवाओं को झूठे सपने दिखाकर कांग्रेस ने ठगा था और अब कह रहे हैं कि ना 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था और ना ही रोजगार देने का। कांग्रेस अब यही झूठा दस्तावेज उत्तर प्रदेश के युवाओं को छलने के लिए लाई है। सावधान रहिए, यह ठग हैं, बहुत बड़े ठग हैं। अमर जवान ज्योति पर भड़की सियासी ज्वाला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, निशानी मिटाने की वजह से माफीनामे शौर्य चक्र में नहीं बदलेंगे। दरअसल बात करें, नई दिल्ली के इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जा रहा है और देश के विपक्षी दल इसे शहीदों का अपमान, इतिहास से छेड़छाड़ के तौर पर देख रहे हैं। कई दिन भर जो है कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं और इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तंज कसते हुए अमर जवानों के मामले में करके माफीनामों का जिक्र बिना उसका नाम लिए किया है। दरअसल ट्विटर पर सीएम ने लिखा कि शहीद जवानों के बलिदान की निशानी मिटाने से माफीनामे शौर्य चक्र में नहीं बदलेंगे। भूपेश बघेल के इस ट्वीट को चंद सेकंड्स में ही सैकड़ों लोगों ने रीट्वीट किया और कई तरह के कमेंट भी इस पर आए। माफीनामों का जिक्र अक्सर कांग्रेस सावरकर के लिए करती है और ऐसे में अक्सर कई मंचों से भूपेश बघेल कहते रहे हैं कि सावरकर ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी लेकिन जेल जाने के बाद अंग्रेजों को दर्जनों माफी पत्र लिखे और छूटने के बाद आजादी आंदोलन में शामिल नहीं हुए। कलेक्टर बदलते ही यहां पर व्यवस्था बदल गई है। केबिन के बाहर मिलेगा कलेक्टर का नंबर। कलेक्टर लोगों से सीधे मुलाकात भी करेंगी। राष्ट्रगान से होगी दिन की शुरुआत। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कलेक्टर बदलने के बाद से यहां पर व्यवस्थाएं भी बदल गई हैं। कुछ दिन पहले ही नम्रता गांधी ने यहां पर कलेक्टर पद पर अपनी जिम्मेदारी संभाली है। इसके पहले IAS नीलेश कुमार क्षीरसागर ने ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नम्रता गांधी ने आते ही अब लोगों को अपनी नई सुविधाएं देनी पहल कर दी हैं, जिसके मुताबिक अब उनका नंबर आपको
आपको उनके कक्ष के बाहर ही मिल जाएगा। वो हफ्ते में कुछ दिन लोगों से मुलाकात भी करेंगी। साथ ही साथ कलेक्ट्रेट कक्ष में काम करने वाले कर्मचारियों के दिन की शुरुआत अब यहाँ राष्ट्रगान से होगी। कलेक्टर नम्रता गांधी ने पद संभालने के बाद 4 बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये है कि यदि आप कलेक्ट्रेट कक्ष के बाहर जाते हैं तो वो आपको दरवाजा आपको अब बंद नहीं मिलेगा। अब आसानी से आप देख पाएंगे कि कलेक्टर अपनी कुर्सी में बैठकर अभी क्या काम कर रही हैं। आमतौर पर कलेक्टर केबिन के दरवाजे बंद रहते हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।